नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पूर्व तैयारी शुरू है। सभी पार्टियां कहें तो चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। साथ ही बिहार में तोरों जोरों की राजनीति भी शुरू है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है आपको दे दें, जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम ने जेडीयू को बाय बाय कर दिया है। देखिए, महागठबंधन की अलायंस पार्टी आरएलएसपी में वे शामिल हुए हैं। चेनारी विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक हैं श्याम बिहारी राम, और अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। नीतीश कुमार को बाय बाय कर दिया है। चेनारी विधानसभा सीट से 2010 से 2015 टर्म में वे विधायक रहे जेडीयू के, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया। फिर भी श्याम बिहारी राम पार्टी में बने रहे, संगठन के लिए काम करते रहे, लेकिन अब खबर यह है कि वे रालोसपा में चले गए हैं। तस्वीरें भी सामने आ गई है। देखिए, टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। डेहरी में उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष वे पार्टी में शामिल हुए, रालोसपा का सदस्यता ग्रहण किया। उन्होंने सैकड़ों समर्थकों के साथ श्याम बिहारी राम ने रालोसपा का दामन थाम लिया, लेकिन इससे कहीं ना कहीं पूर्व में जब वे विधायक थे तब वे जनता से जुड़े हुए थे और अब भी जनता से जुड़े हैं। लगातार पार्टी से भी जुड़े रहे नीतीश के पार्टी से। विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा असर भी देखने को मिलेगा, हालांकि तो समय तय करेगा। लेकिन आप सबसे पहले सुनिए श्याम बिहारी राम क्या कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भी योजनाएं चला है वो सब योजना फेज वन की योजना स्टार्ट किया जाए तो आप देख लेंगे। जल जीवन हरियाली, हर घर नल जल योजना, आप गांव में जाके जमीनी हकीकत को देखिए और वहां समझने का प्रयास कीजिए कि वहां जल जीवन हरियाली या जल हर घर नल जल योजना टोटली फेल है। यह कागज में योजना चलती है और इसका सीधा सीधी लूटम लूट का काम चल रहा है। पहला आखिर आरएलएसपी ही क्यों? हाँ, आरएलएसपी इसलिए जो है पहला काम किया पूरे देश में आपको जो है न्यायपालिका में रिजर्वेशन की बात किया। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, इन्होंने शिक्षा को छुआ, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने आवाज उठाया कि शिक्षा का जो लचर व्यवस्था है आज बिहार सरकार की, जो शिक्षा की स्थिति है, अगर आप उसको एक एक टीचरों को देख लेंगे तो सभी टीचर जो है एकदम अनपढ़ गंवार जैसा लोग काम कर रहे हैं। नतीजा ये है कि जो बच्चा पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो एकल शिक्षा पत्ती क्यों नहीं लागू करते हैं? जब बहुत बात आप करते हैं कि शिक्षा का हम सुधार करना चाहते हैं तो एकल पत्ती शिक्षा प्रणाली शुरू करें। अगर देश में करना ही है, राज्य में करना है तो करें, लेकिन ये करेंगे नहीं, केवल जो है नाम करेंगे, लोगों को गुलबंद करेंगे, अब बेवकूफ बना के आंकड़ों के बाजीगरी से सरकार चलेगी। तो जेडीयू को बाय बाय कह दिया है श्याम बिहारी राम ने और अब रालोसपा के साथ हैं। रालोसपा में सदस्यता ग्रहण कर लिया है और अब वे पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि कई आरोप भी लगाए हैं श्याम बिहारी राम ने। श्याम बिहारी राम ने भी कहा कि जब उन्हें टिकट नहीं मिला फिर भी वे संगठन में रहे, काम करते रहे, पार्टी ने तवज्जो नहीं दी। देखिए, बड़ी बात होती है पार्टी में पूर्व विधायक को तवज्जो नहीं मिलना और इस वजह से पार्टी को बाय बाय कर दिया है श्याम बिहारी राम ने। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार टुडे बिहार न्यूज पर कवरेज जारी है। धन्यवाद।